केएल राहुल के वो 50 रन वो पूरी टीम के लिए बहुत मायने रखेंगे अभी, क्योंकि जो ओपनर है वो अगर स्ट्रगल करते रहे और अचानक फिर आकर 50 रन बना दे तो उसके बाद तो थोड़ा सा टीम को भी एक भरोसा हो जाता है कि चलिए अभी तक जो हम सोच रहे थे कि वन डाउन ही बैटिंग शुरू होगी इंडियन टीम की, वो अब ऐसा होगा नहीं। नहीं, इसलिए तो हम केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी को बैकअप कर रहे थे भाई। किसी को चेंज करना ठीक बात नहीं है, टीम को तोड़ना तो बड़ा आसान है, आप बिल्टअप करना जो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये यही पारी जब आप ऐसी खेलते हैं तो आपका जो नेक्स्ट मैच में जो आपका आत्मविश्वास जाता है वो आप बड़े आप कॉन्फिडेंस से जाते हैं। तो ये केएल राहुल के साथ हुआ है। मैं आज चाहता था कि जिस वक्त वो आउट हुए शायद मेरे को लग रहा था कि शायद ये थोड़े 70-80 रन बनाएंगे, पर ठीक है 2020 का क्रिकेट है, इसमें आपको शॉट्स खेलने पड़ते हैं और कई बार ऐसा शॉट लगता भी है, पर डेफिनेटली मैं समझूंगा कि आज जो रोहित शर्मा जो है अब उसकी भी इंतजार कर रहे हैं हम। हाँ। वो एक रोहित शर्मा इंतजार मतलब कि बड़ी इनिंग बहुत बड़ी इनिंग। हाँ। तो ये थोड़ा सा हमें क्योंकि आपकी ओपनिंग जब वैसी सॉलिड हो जाती है उसके आगे फिर आपका एक कोई परफॉर्म कर देता है आके तो 2020 निकल जाता है। बिल्कुल, आप देखिए टॉप 5 परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ। रोहित ने भी रन बनाए ऐसी बात नहीं, लेकिन आज जो सबसे अच्छी जो मैच में केएल राहुल का वापसी होना ना फॉर्म में। हाँ। ये टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है। अभी एक मैच के बाद प्लेऑफ हो जाएगा, रोहित फॉर्म में है, केएल राहुल, विराट ऑलरेडी फॉर्म में है, सूर्य अच्छा बैटिंग कर रहे हैं नीचे, फिर आप देखिए सूर्या अपना ये हार्दिक है। हाँ। फिर जो अश्विन ने अभी छक्का मारा वो 6 रन मिला इंडिया को, विराट ने सामने छक्का मारा, तो इसीलिए विराट उनको बैक कर रहे हैं रोहित शर्मा की, अश्विन खेल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है यूजी चहल का आना बहुत जरूरी है, आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मेलबर्न में अगला मैच है और जो मैचेस भी हो बड़े ग्राउंड में हो, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने आज जो फाइट की है ना मैच में, अगर बारिश नहीं होती तो कुछ मोमेंटम उनकी तरफ ही था वो। हाँ। तो ये 7 ओवर में जो पिटाई हुई ना बॉलर्स की वो मुझे लगता है कि सीख है आज, वो जीते जरूर होंगे। हाँ। लेकिन रोहित ने प्रेस में भी यही बोला कि बांग्लादेश उनसे ऊपर थी वो। Exactly. तो ये वेकअप कॉल है अगर इनको अच्छा खेलना है। हाँ। क्योंकि ये वाले मैच से पता चलेगा आप सेमीफाइनल फाइनल में कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि वहां पे फिर जो टीमें आएंगी ना वो सॉलिड होंगी वो। तो ये सीख है आज, क्योंकि विराट कोहली के लिए तो क्या मतलब हर बार आप थोड़ी सी और तारीफ उसकी कर दें, वो जिस तरीके से टीम को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं विराट कोहली, वो गलत नहीं है किंग कहलाना। बिल्कुल किंग बिल्कुल कहना भी चाहिए। और देखिए विराट कोहली जब से खेलना शुरू किया है इन्होंने काफी इंडियन टीम का अपने कंधों पे भार उठाया हुआ है, और हमेशा ठीक है कई बार बैड पैच आता ही है कोई भी स्पोर्ट्समैन का इसमें आता है, पर डेफिनेटली जैसे अभी वो बैटिंग कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं तो उससे मेरे को लगता है कि देखिए उसका गेम प्लान अपने पास है। और एक और बात कहना, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए ये इसने जब ब्रेक लिया इसने अपने गेम के बारे में सोचा भाई, जो भी क्रिकेटर अच्छा होता है ना अपना जो खेल रहा होता है लेवल अपना स्टैंडर्ड सेट किया वो एनालाइज करता अपने आप को, मैं कहां गलत जा रहा हूं कहां पे मेरे को इंप्रूव करना है 2020 क्रिकेट में, मेरा स्ट्राइक रेट इतना होना चाहिए, अब मैं 120-130 पे खेल रहा हूं, अगर मेरा 150 पे मैं खेलूंगा और ज्यादा बेटर खेलूंगा। और उसके साथ एक और इसको विराट कोहली को भी फायदा हुआ, मैं सूर्य कुमार यादव का मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य कुमार जब आता है तो उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा रिलीज होता है उसका, क्योंकि वो स्ट्राइक चलाता है और उससे क्या होता है कि विराट कोहली अपनी गेम को ऑर्गेनाइज कर सकता है, और ज्यादातर जैसे मैंने कहा कि वो सिंगल डबल से रन बनाता और ये है कि बाद में अच्छे शॉट्स भी खेलता, और दूसरी बात है कि अपनी टीम को लास्ट तक लेके जाता, डीप एंड तक अपनी बैटिंग को लेके जाता जहां पे उनको पता है कि मैं इतने रन बना सकता हूं और टीम के लिए जो जीतने के लिए काफी अच्छे होंगे। तो ये गेम प्लान विराट कोहली के पास काफी अच्छा है अपने पास पड़ा हुआ कि मैंने क्या करना है, ये बहुत जरूरी होता है। और सूर्य जो आप कह रहे थे कि केएल राहुल जो कि लो ऑन कॉन्फिडेंस दिख रहे थे उनसे उनके साथ समय बिताया अगर नेट्स में विराट कोहली ने तो ये दिखा आज, और जब दोनों की पार्टनरशिप थी तो और ज्यादा, और दोनों साथ में बैटिंग कर रहे थे शोधा, जिसे पाजी ने बोला विराट वो एंकर का रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तारीफ करनी हुई केएल राहुल की, जो इंटेंट दिखा जिस तरीके से उन्हें छक्के मारे और जो पहली बॉल से लग रहे थे रोहित शर्मा भी एकदम डेंजर लग रहे थे, वो आउट हो गए स्लो बॉल पे, लेकिन ये दोनों जब खेलेंगे ना 7 पे 80 भी होगा 7 पे 100 भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से लय में रखो वो आने वाली है नॉक वो। तो इंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है 2020 क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में स्पेशली जब आपके 1 से लेके 6 तक फॉर्म में ना बल्लेबाज, उसमें 4 भी चलेंगे तो आप हर मैच में 200 रन बनाने वाले हो। तो इसीलिए केएल राहुल से उन्होंने बातचीत करी और दिखा कल नेट सेशन में जिस तरीके वो ओवल में अपना प्रैक्टिस कर रहे थे एडिलेड में इंडोर में, विराट ने प्रैक्टिस किया लेकिन उसको काफी कम्युनिकेशन हो रहा था वो। और सबसे अच्छी बात हुई जब रोहित आउट हुए दोनों साथ में बैटिंग कर रहे थे,
जो चीज उन्होंने कल बात करी दोनों ने एग्जीक्यूट किया ग्राउंड पे, तो इससे पता चलता है कि टीम एक दूसरे के लिए, जब कोई दूसरा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा दूसरा आदमी खड़ा है, तो ये टीम की अच्छे साइन है। विक्रांत के पास एक बार फिर जाने की कोशिश हम करते हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से उत्साह में सारे भारतीय फैंस हैं उसमें वो तस्वीर तो हम विक्रांत की तस्वीर आ रही है हमारे पास या नहीं अभी भी? हाँ चलिए देख लीजिए, पागलपन ही देख लीजिए आप थोड़ी देर। यही होगा सर, काम को यहाँ पे हराना है। अब तो म्यूजिक भी बंद हो गया है लेकिन डांस हो रहा है फिर भी। विक्रांत आवाज आ रही है? निखिल भाई ने यही कही है, मैच मतलब। हाँ विक्रांत आवाज कनेक्ट हो गई है और आप थोड़ा सा गायब हो गए फ्रेम से अभी। अच्छा आप सेमीफाइनल की अगर आप बात करें, और मोस्ट लाइकली इंडिया जिम्बाब्वे को हराएगा, विच मीन्स कि 8 पॉइंट के साथ आप जाएंगे सेमीफाइनल में। अब सवाल यह है कि कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच, अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत जाता है तो इंडिया टॉप करेगा, और टॉप करने का मतलब यह होगा कि आपका सेमीफाइनल एडिलेड में होगा, राइट? यहां से बड़ा जरूरी होगा कि जिम्बाब्वे वाले मैच में अगेन वो चीज ना हो जो आज हो गई। आज इंडिया ने बैटिंग ठीक की लेकिन बॉलिंग अगेन बरसात से पहले बरसात के बाद, बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर में तो बांग्लादेश ने पैनिक किया और वो जो केएल राहुल का रनआउट था उसने इतनी गेम बदल दी कि वहां से बांग्लादेश ने पैनिक किया। शायद साकिब इस मैच को भुला नहीं पाएंगे, एंड तक वो लड़ते जरूर रही उनकी टीम, लेकिन अगर श्वेता साकिब थोड़ी देर और बैटिंग कर जाते थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। ये जो आपको इंडिया की टीम दिखी है ये लास्ट 9 ओवरों में यही टीम तो चाहिए। किसी स्टेज पर आपको ये लगा था कि मैच हाथ से निकल गया? ऑब्वियसली लगा था, बारिश के बाद तो लगा कि नहीं 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 जीतेंगे, पर जब अर्शदीप ने विकेट लिया, ओह माय गॉड, रन आउट टर्निंग पॉइंट था। अर्शदीप ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, अर्शदीप मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, श्वेता बैठी है वहाँ पे स्टूडियो में, सुरेश रायना है, मदन लाल जी है, हरभजन सिंह जुड़ने वाले हैं, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा देता है और इंडिया जिम्बाब्वे को हराता है तो आप सेमीफाइनल यहीं पे खेलेंगे? सर सेमीफाइनल आपको यहाँ पे हम दोबारा मिलेंगे। उनको मैसेज तो दे दो, वो विवेट कर रहे हैं आपकी, मैसेज दो। We thank you very much for coming everywhere where India travels. Thank you guys. Thank you very much. You have been fabulous.